संभल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की। कार्यक्रम में दौरान फारूक अब्दुल्ला ने मंच से देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देने के लिए रामधुन भी गाई। वाराणसी में रोडवेज पुलिस चौकी अंतर्गत एक महिला ने 25 साल के युवक को चोरी के आरोप में निर्वस्त्र कर घुमाया और उसे काफी बुरी तरह से पीट दिया। शामली में तलाशी के दौरान पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 50 लाख रुपए कीमत की शराब लेकर तस्कर यहां से जा रहे थे। राजधानी लखनऊ में पीएनटी कॉलोनी के एक मकान में भीषण आग लगी जहां मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मुरादाबाद पुलिस ने एक तेज रेचर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 नवंबर को रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। शाहजहांपुर में एफसीआई गोदाम में मामूली विवाद के चलते युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामले को बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में इंटरचेंज के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सियारौल के पास कैंटर रोडवेज की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में गन्ना किसानों के हित में ज्ञापन देने गए कांग्रेसियों की सिटी मजिस्ट्रेट से नोकझोंक हुई जिसके बाद कार्यालय के अंदर और बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। कानपुर में इन दिनों बंदरों का आतंक है। स्कूल जा रहे बच्चों को अब तक बंदर जख्मी कर चुका है। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर में एक मंदबुद्धि युवती के साथ राहुल नाम के युवक ने बलात्कार की कोशिश की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे गांव सैजनिया में गन्ने के खेत में काम करने गए युवक पर बाघ ने हमला कर दिया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यक्ति ने खुद को आग के हवाले कर दिया और अपने पति को बचाने की पत्नी भी इसमें बुरी तरह से फंस गई। 2017 के विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारी में जुट गई है एसपी। पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी मुख्यालय पर समस्त फ्रंटल संगठनों के साथ अहम बैठक। असेंबली के विरोध में जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के आह्वान पर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर जमीयत उलेमा हिंद के उलेमाओं ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजनौर पुलिस ने 7 नवंबर को ही दूध व्यापारी की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ फैजाबाद रोड पर स्थित मेजर पेट्रोल पंप पर अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कैश लेने आई सिक्योरिटी वैन को लूटने का प्रयास किया। सहारनपुर के जेबी जैन डिग्री कॉलेज के छात्रों ने हंगामा कर दिया। इनका कहना है कि ड्रेस कोड लागू किया गया है जो इन्हें मंजूर नहीं है। आगरा के खेरागढ़ ब्लॉक में प्रधान प्रत्याशियों से जिला पंचायत की फर्जी रसीद काटकर 500-500 रुपए वसूले जा रहे हैं। कानपुर महानगर के विधुनू थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में खनन माफियाओं के द्वारा विधुनू थाना पुलिस के संरक्षण में उपजाऊ खेतों की मिट्टी का खनन खुलेआम किया जा रहा है। रामपुर में प्रसव के दौरान बच्ची की मौत के मामले में एक आयुष डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार किया गया जबकि मुख्य आरोपी डॉक्टर को जिला अस्पताल और पुलिस बचाने में जुटे हैं। सहारनपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा है कि देश में मौजूदा हालात में अराजक तत्वों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के दुबियारी पुल पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के तिलक नगर रामकुला रोड निवासी एक अधेड़ महिला ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर डीएम ऑफिस पर अनोखा प्रदर्शन किया। यहां भीख मांगकर अपना विरोध दर्ज कराया। बरेली में सिरौली थाने के गांव हरदासपुर में प्रधानी पद के दावेदार की लूट के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। मिर्जापुर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की 7वीं जनपदीय रैली का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। नोएडा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह की पत्नी सरिता ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अमित सिंह ने खुदकुशी की थी जबकि उनकी पत्नी ने भी खुनाम कराया।
लखनऊ के पारा इलाके के सूरजकुंड खेड़ा गांव में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर कहर बरपाए। लाखों की लूट के साथ दंपति को रॉड से भी यहां बुरी तरह पीटा गया। प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में दबंगों ने कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी की है। छात्रा के विरोध करने पर दबंगों ने छात्रा पर बाइक चढ़ाकर उसकी हत्या। गोरखपुर में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन के 500 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक समारोह में शिरकत की। मुरादाबाद में दो अलग अलग जगह पर डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत के आरोप में यहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोग नाराज हैं। चंदौली के सकलडीहा कोतवाली इलाके में ट्रेन के सामने कूदकर एक प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे जांच की। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के 76वें जन्मदिन पर सैफई में तैयारियां जोरों पर है। 22 नवंबर को बेहद भव्य तरीके से मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एसपी के फ्रंटल संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ यूपी के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने विवादित बयान दिया है। रिजवी ने कहा है कि फ्रांस के पेरिस की तरह और हुए आतंकी हमले। रिजवी ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन है। आगरा में डीआईजी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लोक सेवा आयोग के पद से हटाए गए अनिल यादव के खिलाफ दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड ही गायब कर दिए गए। बदायूं में महिलाओं से झपटमारी करने वाले एक शातिर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत ही बिगड़ गई। की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में रंजिशन युवक की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। हत्या आरोपी का कहना है कि युवक हादसे में मरा था। फरुखाबाद में 2 अक्टूबर को युवती से लूट के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने उसका वीडियो वायरल किए जाने के मामले में लखनऊ से आए फॉरेंसिक टीम ने आरोपियों से सैंपल। प्रतापगढ़ में कोचिंग क्लास करने जा रही छात्रा के मंचले ने छेड़खानी की और जब उसने विरोध किया तो छात्रा की हत्या कर दी गई। कानपुर के कैस्को की लापरवाही से संविदा कर्मचारी की मौत हो गई। शटडाउन लेकर खंभे में चढ़कर फॉल्ट चेक कर रहे लाइनमैन की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। सोनभद्र के वीडमगंज थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका प्रेमी के घर के बाहर पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे। उसका कहना है कि युवक उसको धोखा दे रहा है, उससे शादी करके फरार हो गया है। बिजनौर में युवती के पेट से 2.5 किलो बालों का गुच्छा निकला है। युवती को पेट दर्द की शिकायत थी। जब ऑपरेशन किया गया तो मेरठ के अस्पताल में उसके पेट से 2.5 किलो बालों का गुच्छा निकला। इलाहाबाद में बलात्कार की वजह से गर्भवती हुई 14 साल की नाबालिग लड़की को लेकर अनोखा फरमान सुना है। पंचायत ने आरोपी को 75,000 रुपए देकर पीड़िता से कहा है कि वो अपना गर्भपात करा। वाराणसी में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टरों ने जागरूकता मार्च निकाला, साथ ही मादक पदार्थों से दूर रहने के निर्देश दिए। मथुरा के गोवर्धन स्थित कुसुम सरोवर पर प्रकाश महोत्सव का भव्य और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।